स्वागत है आप सभी का नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए खुशखबरी है, जो फाइनल ईयर के बच्चे थे जिनको ये लग रहा था कि प्रमोशन नहीं किया जाएगा और सिर्फ हमारे साथ ही क्या होगी, इन सब लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली न्यूज है कि अवध विश्वविद्यालय ने बीएससी फाइनल ईयर वालों के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया है। जिनका भी पेपर नहीं हुआ था सबको प्रमोट कर दिए हैं, तो सबका रिजल्ट आ गया है। सब लोग जाके अपना रिजल्ट चेक कर लें, जिस भी कॉलेज में है, जिस भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, आप लोग जाके वहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखना है कि रिजल्ट कैसे चेक करें। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आना होगा, rmluexams.co.in पे, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद जब आप ये खोल लेंगे, सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा व्यू मार्कशीट। फिर व्यू मार्कशीट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेट अगर स्लो रहता है तो थोड़ा सा समय लगेगा, फोन पे भी देख सकते हैं। सेम प्रोसेस है, वही वेबसाइट खुलेगी rmlu.exam.in। फोन पे भी अगर नेट स्लो है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पॉज नहीं करेंगे, जितना जल्दी जल्दी हो सके आ जाए। और UGC ने कहा था कि परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन फिर भी अवध विश्वविद्यालय ने अब कैसे कर दिया है पता नहीं, लेकिन बीएससी फाइनल ईयर वालों का प्रमोट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इस तरह का कुछ आपके सामने पेज आ जाएगा जहाँ पे व्यू रिजल्ट है। तो बीकॉम पार्ट 1, 2, 3 का पहले रिजल्ट आया हुआ है, उसके बाद अब बीएससी थर्ड ईयर का भी रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप जब नीचे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में तो BSc 3 लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दिखेंगे। अगर आपको कॉलेज नाम से फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करके अपना नाम फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको कॉलेज कोड पता है तो ज़्यादा इजी रहेगा, अगर आप कॉलेज कोड डाल देंगे तो ये नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम अपने महाविद्यालय के रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे हमें रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ करने के बाद जब फाइंड आ जाए आपके कॉलेज का नाम, उसके सामने लिखा है व्यू रिजल्ट, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको फिर से एक नए पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ये वाला प्रोसेस दिखेगा, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना रोल नंबर डालना है बीएससी थर्ड ईयर का। तो बीएससी थर्ड ईयर के रोल नंबर में सबसे पहले 000 लगा है, वो आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको वही डिजिट लिखने हैं जो 000 के बाद हैं, ठीक है। तो हम एक रोल नंबर ट्राई करके देखते हैं कि उसका रिजल्ट दिखाता है नहीं। तो 18 हम अपना रोल नंबर डाल लिए हैं, ये एक डमी है, आप अपना देखिए जो आपका रोल नंबर है, आप वो अपना रोल नंबर डाल के देख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका सीधा डायरेक्ट आपकी मार्कशीट जो है वो इंटरनेट कॉपी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करिए तो ये देख लीजिए कि कैसे ये चीज़ कन्फर्म होगी कि आपको प्रमोट किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे कि इनका जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं, इनका जूलॉजी का सेकेंड और थर्ड पेपर छूटा हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो जो पेपर में प्रमोट किया गया है जिन बच्चों को, उसमें नंबर के बाद प्लस लगाया गया है। अब ये किस आधार पे किए हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड ईयर का रिजल्ट देख रहे हैं। अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट से हम मैच करें तो ये पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर के आधार पे प्रमोट किए होंगे, तो इनका सेकेंड ईयर में 46 नंबर रहा होगा। क्योंकि जो प्रमोटेड नहीं है, जिनका एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए सिंपली नंबर लिखा है जैसे 39, 45, 33, और जो पेपर छूटे हुए थे, जो जैसे जूलॉजी का सेकेंड थर्ड पेपर बचा हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने 46 प्लस कर दिया है और 42 प्लस कर दिया है। तो सभी बच्चों को आई थिंक ये लोग पास कर रहे हैं, फेल किसी को नहीं किए हैं। रिजल्ट जो है लगभग जो नोटिस आई है इनकी कि 28/8/2020 को इनका रिजल्ट पब्लिश किया गया है, और बीएससी फाइनल ईयर में कुल 28,643 बच्चे ऐसे थे जो परीक्षाओं में शामिल हुए थे और 25,884 बच्चे पास हुए हैं। तो करीब 3,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। अब वो क्यों फेल हुए हैं, एबसेंट थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट वैसे अच्छा है, 94.34% रहा है, तो बहुत कम ही उम्मीद है कि बच्चों को फेल किया गया है। अब जो एकदम वीक रहे हो वो अलग बात है, जो जो पेपर दिए हैं उसमें ही फेल हो गया हो कोई, तब उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे थे कि थर्ड ईयर का पेपर होगा और सबका पेपर नहीं होगा, थर्ड ईयर का पेपर ही क्यों होगा। तो फाइनली अवध विश्वविद्यालय ने एक मतलब करिश्माई काम कर दिया है। आप लोग नए वाले BC साहब को धन्यवाद कह सकते हैं, सब उन्हीं की महिमा है। जब से वो आए हैं तब से बस मौज ही मौज है, ठीक है। तो फाइनली फाइनल वाले बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं। अभी सिर्फ BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है, ये कल शाम से पोर्टल पे आया है। जल्द ही BA फाइनल, BA सेकेंड ईयर, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारियां अच्छी लगती होंगी हमारे चैनल पे जो मिलती हैं। अगर
आप हमारे चैनल से या हमारे वीडियो कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई आपके पास कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट देखने के लिए पता चल गया होगा कि कैसे देखना है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट भी आप वहां पहुंच सकते हैं इस पोर्टल पर, ठीक है। और दूसरी चीज बताते चलें कि एमए फाइनल ईयर का पेपर जो है वो 15 सितंबर से है, स्कीम आ गई है, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आ रहा है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।